ये उस कड़ी और उस सिलसिला है जिसके अंदर ये चीज चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त अभाम है लोगों में, पार्टीज में, पॉलिटिकल पार्टीज में, मुल्क के अंदर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का भौचाल आया हुआ है, लोगों की जिंदगी बड़ी मुश्किल कर दी है फ्लड ने, महंगाई ने, चीजों ने, तो इस चीज को आखिर किसी ने तो जनाब बैठ के कोई मसले मसाइल हल करने के लिए कोई पेशरफ तो किसी ने करनी थी, वो पेशरफ हुई है। उसके बाद ये दो तीन चीजें जो आप फरमा रहे हैं और उसके ऊपर प्रोग्राम बाकी लोग कर चुके हैं, मैं उसका क्योंकि थोड़ा सा मुझे इल्म जब होता है, मैं गलत बयानी आज तक न की है ना अल्लाह कराए, हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, मगर मैं बड़े वासूक से तरीके से आपको अर्ज कर रहा हूं कि ये पेशरफ्त इस वजह से हो रही है जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि पहले खान साहब ने कुछ बात की, फिर उनसे उन्होंने कुछ उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की, फिर आज कभी आपने सुना है कि अलवी साहब का प्रोग्राम जिस तरह से नेशनल हुकअप पे एक जिम्मेवार आदमी है, बड़ा आपके कुलीग है और वो उनके यहाँ बैठकर उनके साथ, फिर ये किसने कराया होगा, किस कैसे हुआ है, ये मेरे ख्याल में ये सारी कड़ियां मिलती है सर। आपको पता चला नहीं है कुछ, आपको जितने इन्फॉर्मेशन लग रही है कि खासी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, कोई पता चला कि क्या गुफ्तगू हुई है, क्या एजेंडा था, क्या टॉकिंग पॉइंट्स है, क्या कंसेंसस हुआ, कोई थोड़ी सी इसकी डिटेल है आपके पास? नहीं नहीं, मैं तो उस मुलाकात के बारे में थोड़ा सा मुझे पता है, मगर उसके बाद ये आप देखें ना तसलसल देखेगा क्या तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किस चीज के बारे में कितनी बातें हो चुकी हैं नेशनल फोरम पे, और वो सब इस चीज की कड़ियां है भाई साहब। अब मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता कि जी किसने क्या फैसला कराया, किसने क्या नहीं किया, वो मैं नहीं जाना चाहता उसमें।